साहब का मस्के में हाँ दो पाव दो एक्स्ट्रा दे लवकार कर रहे हैं ऐसा मतलब ये वकील साहब क्या रिपेयर करूँ ये गाड़ी का, मेरी बात मानो पैदल आया जाया करो, आपका टाइम बचेगा। अरे तू 2 साल से यही कह कहकर इसको बना रहा है ना, चल आज भी बना दे यार, मुझे देर हो रही है, जल्दी कर। ये सब क्या लगा रखा है मेरी दुकान के सामने, दिखाई नहीं देता? मेरे ग्राहकों को आने जाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। देख भाई, तू आज पहली बार आया इसके लिए तेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, हम लोग पिछले 5 साल से ऐसा ही धंधा कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते, मेरी दुकान में रखे माल को बाहर सस्ते में बेचते हो और ऊपर से दादागिरी। तुम लोग जल्दी से जगह खाली करो वरना मैं भी वार्ड ऑफिसर को फोन करता हूँ। ये फोन वोन से कुछ नहीं होगा, साला लाइसेंस है हमारे पास, पूछ बाप से जाके। बाप का नाम लेता है, बाप का नाम। किसने दिया ये लाइसेंस, किसने दिया? ये मारुति की डिक्की में अशोक लेलैंड, आप कौन के गवर्नमेंट डीएलआई लाइसेंस? सलाम अली भाई। वालेकुम। ये आपका आजाद नगर में किधर भी कुछ भी करने का लाइसेंस जॉनी भाई और डैनी बाबा देते हैं, समझे क्या? जिसने लाइसेंस दिया है ना उसी के घर पे जाकर अपना ठेला लगाओ, मेरी दुकान के सामने नहीं। तुम चाहते हो या मैं बुलाऊं पुलिस को? तू जानता नहीं उनको? अरे मैं नहीं डरता तेरे जॉनी और डैनी भाई से। बाजार में सबके सामने एक आदमी का खून हुआ और किसी ने कुछ नहीं देखा। गुड, वेरी गुड। हवलदार लाश का पोस्टमार्टम करा के फैमिली को दे देना। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। यस। मेरा नाम हरीश पाटिल है, खून मेरे सामने हुआ था, मैं गवाही दूंगा। ये मगज फिर गया क्या? कौन है? चले कहाँ ले जा रहे हो? ए नोटा, किधर जॉनी हैंडसम टॉकिंग? चल सवाल रुपयों का नहीं है, क्या तेरे को समझ में नहीं आता? सवाल जॉनी हैंडसम के प्रेस्टीज का है। 12 साल हो गया जॉनी हैंडसम को आजाद नगर में, इधर का लोग अब उनका इज्जत करता है, अब उनसे डरता है। तू साला जॉनी हैंडसम के घर में चोरी किया? कैसे चोरी किया उस्मान? कैसे चोरी किया? तेरा आज कैसे भूल गया कि जॉनी हैंडसम कौन है? कैसे चोरी किया? बस अरे वो डैनी बाबा के खिलाफ गवाही दिया ना, उसी का भाई है रमेश पाटिल। तेरे भाई की वजह से आज मेरा भाई लॉकअप में बंद है साले। डैनी मेरा भाई है, मेरा बच्चा का माफिक है, अगर उसको कुछ हुआ तो मैं तेरा अक्का फैमिली को जान से मार डालेगा, समझा? सर, मेरे भाई से गलती हो गई, उसे माफ कर दीजिए। कल किसी को मरते देखा है? ए उस्मान, जो गलती करता है वो मरता है साला। हौसला रखिए धीरज बाबू, आपके बेटे के कातिल को सजा जरूर होगी। हरीश आप यहां साइन कीजिए। अच्छा हरीश, तू यहां क्या कर रहा है? चल बाहर चल। इंस्पेक्टर साहब मैं अभी आया। क्या हुआ दादा? चल 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 देखा।
पेशी है, उसे सजा होने से कोई बचा नहीं सकता। साहब, मेरे भाई ने किसी कागज पर साइन तो नहीं किए? नहीं, लेकिन अभी करने वाले थे। क्यों? कोई फायदा नहीं होता, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, आपको पता नहीं चला? खुद भी देख लीजिए। हरीश, हरीश, इंस्पेक्टर साहब, मैं पूछता हूँ। हरीश बेटा, तुमने बाजार में आज मुकेश अग्रवाल का खून होते हुए देखा था? हाँ, देखा था। तो बेटा, इंस्पेक्टर साहब को बताओ कि किसने किया था खून? आपने? क्या? ओ, ओ, आपने नहीं किया था? तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। आप ही देखिए। आप? मैं देखता हूँ। देखो, तुम अपना स्टेटमेंट चेंज। अरे हाँ, खून इसने किया था। देखो, उसके पास रिवॉल्वर है, इसी रिवॉल्वर से खून हुआ था। मैंने देखा था। अरे पकड़ो ना इनको। अरे इंस्पेक्टर साहब, खूनिया पकड़ो इनको। चलो पकड़ो इनको। पागल हो गए हो तुम? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरा भाई पागल हो गया है। और एक पागल की गवाही मानकर तुमने डैनी बाबा को अरेस्ट किया? ये कहा का नया कानून है इंस्पेक्टर? चले छोड़ दे डैनी बाबा को, मेरी गलती है तो जो माफ भी करेगा, दूसरी गलती को जीव तो नहीं रहे। ले एक हजूर, इतना सोचता क्या है? चल छोड़ दे उसको। चल देख अपना डैनी बाबा कितना मुरझा गया। देख, मैं सब समझ गया। हवलदार, बेकार में ही हम यहाँ आए। देखा देखा रामचरण जी, घर में जवान बेटे की लाश छोड़कर आया था, इस उम्मीद से कि यहाँ इंसाफ मिला तो अपने बेटे की चिता को सुकून से आग तो दे सकूंगा। धीरज बाबू, ये इंसाफ मिला है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कभी हालात नहीं बदलेंगे। गलती हमारी है धीरज बाबू, हम हिंदुस्तानी लोग हालात के सामने बड़ी जल्दी घुटने टेक देते हैं, इसीलिए खड़े नहीं हो पाते। लेकिन कोई ना कोई जरूर आएगा जो हालात के सामने घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि जॉनी को उसके सामने झुकना पड़ेगा। खामोश जुबा बोझल के मुश्किल में जा सहनी सांसें, सारे चेहरे हैं डरे डरे, जिंदा है लेकिन मरे मरे, ऐसे गहरे सन्नाटे में ऊंची अपनी आवाज करे। कौन है जो वो, कौन है जो वो, कौन है जो आवाज करे, आवाज करे, आवाज, आवाज। पंजाब मेल से आए हुए सभी यात्रियों का मुंबई के बोरीवली टर्मिनस पर हार्दिक स्वागत है। ये शहर तो पंजाब के खेतों से भी ज्यादा हरा भरा लग रहा है। हाँ, लेकिन अपने पैसे संभालना, नहीं तो फसल की तरह कोई उसे भी काट ले जाएगा। साहब संभालो सामान, छोड़ ना साहब, छोड़ दीजिए। अरे साहब छोड़ देगा अपना बैगला, बैगला आज तूफान मेले में बैठाता हूँ। ऐसा हो तो पूरे बम्बई नहीं आओ तो आओ। अरे कुली रास्ता क्लियर कर, अबे जा हट हट हट, आओ बैठो। और कैसा शहर है ये, जाओ कहाँ? अबे ओए बात क्या भैया, वो ऑटो वाला ठीक लग रहा है। वो ऑटो वाला कम महंगी ज्यादा लग रहा है। बादशाह, ओ बादशाह जी, हम पंजाब से आए, आजाद नगर जाना। ओ तुसी धर्मेंद्र के गांव से आता, आके ऑटो रंजी से टकरा था, अभी देखो मैं तुमको कैसा पहुंचाता। बैठो, मैं ऑटो वाला, ऑटो वाला मंजिल तक पहुँचाने वाला, सबके काम में आने वाला ऑटो वाला। जय रजनी देवा। भाई साहब, ये आपकी ऑटो तो बड़ी अच्छी है, पर ये क्या फोटो लगा रखी है आपने हर जगह रजनीकांत की? ऐ अपन को जो चाहे कहना, रजनी देवा का नाम इज्जत से लेना। ये ऑटो रजनी देवा के नाम से आई, दो साल से करता अपन इसी से कमाई, एंड भगवान रजनी। अच्छा,
तो फिर दो साल पहले क्या करते थे? अपना भी एक जमाना था, डेंजर रजनी नाम पुराना था, पॉलिटिक्स की हवा गैंग को ऐसा लग गया, पूरा गैंग आउटलाइन में जाकर नेता बन गया, मगर अपना अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराया। पॉलिटिक्स का काम कर दिया रिजेक्ट, ऑटो का काम कर लिया सिलेक्ट, जय रजनी देवा। लेकिन आपने अपने मीटर पर कपड़ा क्यों बांधा है? ओ बादशाह, पेट्रोल का दाम बढ़ता है लीटर के हिसाब से, ऑटो वाला कैसे चलाएगा मीटर के हिसाब से? ये तो बेईमानी है, आप ग्राहकों को लूटते हो। तुम हमको बेईमान चोर डाकू बोलता है? देखो आजाद नगर का रेट फिक्स है, मेरा बाड़ा 66 है, देता तो चलता है नहीं तो तुम इधर ही उतरता है, बोलो क्या बोलता है? हाँ, हम समझते हैं, आप चलिए। सिस्टर से मिस्टर समझदार है। चलो भाई चलो, जल्दी करो जल्दी करो, तुम लोग बलराज नंदा की नाक कटवाओगे। यही पड़ा पहनते टके, पागल कर दिया। हेलो, हाँ जी बलराज नंदा बोल रहा हूँ, रॉन्ग नंबर खोते, दिमाग खराब कर दिया है सबने। ओ भाई मेरी सुपरस्टार साथ सहेली हो, देखूं तो सही क्या कर रही हो। हैं जी उर्मिला जी, आप जलेबी बना रहे हो या पराठों में छेद कर रहे हो? हैं रवीना, ये लड्डू है कि पत्थर है? ओए ये क्या कर रही है तू, इतना मोटा मोटा हार्ड लड्डू बना रही है? हेलमेट पहन के खाना पड़ेगा नहीं तो 14 टांके लगेंगे सिर पे। महिमा जी आप दांत क्यों दिखा रही है, दांत अंदर करो। हाँ जी पागल कर दिया तुम लोगों ने, चर्बी चढ़ गई तुम सबको। नंदा साहब मेरी चर्बी आ गई है। ओए नंदा साहब। ओए मेरी जनानी, बोफर्स क्यों गरज रही है यार तू? ए लो पैसे मंगाए थे ना। ओफो क्या हो गया चंचल रानी, मुंह कद्दू के कोफ्ते की तरह क्यों बना रखा है, प्रॉब्लम क्या है? आई लव यू डार्लिंग। चलो हटो, जब देखो हर महीने दो महीने तुम्हारे गांव से कोई न कोई आधमकता है, जैसे ये घर नहीं कोई धर्मशाला हो। दो चार लोगों के आने से घर धर्मशाला थोड़ा ना हो जाता है, 25 साल पहले गांव छोड़ा था, तहजीब थोड़ा ना छोड़ी थी, इसलिए सबको मालूम है कि बंबई में दो ही लोगों के दिल जो हैं वो उनके घरों की तरह बड़े हैं, एक तरमंदर का पंजाब हाउस और एक बलराज नंदा का नंदा हाउस। आई लव यू डार्लिंग, फिक्र मत कर। ओ आ गया मेरा गोविंद पुत्र, आजा आजा पुत्र, आजा पुत्र। ओ आओ जी। पता तो यही है। ओए पते वाला भी वही है, गांव से सरपंच जी का फोन आया था। ओए सजनी, ओ आजा आजा पुत्र। चाचा जी फेरी कर जुदर है, यात्रा में तेरी जर्नी मनी तो ठीक रही ना? हाँ ठीक रही। ये रत्ना है, ये रत्ना जुदा है तेरे पुत्र है। गुड 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 गुड। ओए सजनी सामान ले जा इनका भाई, सामान का लगे ले जा इनका। ओए रजनीकांत के डुप्लीकेट, तेरा पाड़ा शाड़ा कितना हुआ भाई? आजाद नगर का रेट फिक्स है, मेरा बाड़ा 66 है। चाचा जी ठग रहा है, स्टेशन से मीटर 30 रुपए ही दिखाता है। आप उन मीटर से नहीं लीटर से चलता है, मिस्टर को मालूम है। मगर मुझे नहीं मालूम ना सजनी, इसका मीटर देख तू यार। हाँ जी। चाचा जी आधा तो मीटर ही नहीं आएगा। ऑटो में मीटर था जब बैठा सवारी, जब उतरा सवारी तो ऑटो मीटर से खाली, वापस कर दे मेरा मीटर। आप तो लीटर के हिसाब से चलते हैं, फिर मीटर की क्या जरूरत? वापस कर दे मेरे मीटर मुझको, नहीं तो एक झापड़ में भेज दूंगा पंजाब तुझको। क्यों मिल गया बड़ा? काय को पूरा पंजाब मिलके मद्रास को हैरान करता, मस्करी मालूम नहीं। बाड़ा नहीं देने का तो नहीं देने का, मेरा मीटर वापस करना बाबा, मेरा मीटर वापस करना। देखो कभी किसी से ज्यादा लेना नहीं, लेकिन हक के पैसे कभी छोड़ना भी नहीं, समझे? चलो मीटर दे दो, लो लो। कमाल कर दिया यार, जो मैंने काम पिछले 25 साल में नहीं किया तूने 5 मिनट में कर दिया यार, वाह जी वाह। ओ लो जी ये इस घर की मालकिन है, नाना पाटेकर पर गई है। चलो नमस्ते करो जी। पैरी पहना जी। ठीक है पैरी पहना जी। इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं मिलेगा। चलो पुत्र तेरे को तेरा कमरा दिखा दो, आओ जी आओ जी। अरे ओए नंदा साहब, काम धंधे पे जाना है कि नहीं? कमरा सजनी दिखा देगी। हाँ जी हाँ जी, काम धंधे पे जाना बेटा, तुम आराम करो, रात को डिनर पे खाना छाना खाएंगे, ठीक है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जाओ जी दिखाओ कमरा दिखाओ। चलो जी। हम यहाँ नई जिंदगी शुरू करने आए, और नई जिंदगी आंसुओं से शुरू नहीं की जाती,
चलो चलो, मैं तुझे शहर घुमा कर लाता हूँ, चलो। नहीं भाई, आप जाइए, मैं चाचे का हाथ बटाऊंगी। बाप रे, क्या तेज भागता है ये शहर। We are the future, the next generation. We are the hottest, the latest sensation. No Monday, no Sunday, every day is Monday. मीटर लगाता तो भाड़ा नहीं, मीटर निकालेंगे तो पैसेंजर नहीं। व्हाट टू डू, टेल मी। वो सारा पंजा वन्ना मेरे को ऐसा मारा, डर के मारे मेरे दाढ़ी का बाल नहीं निकल रहा है। मेरे को अकेला मिलेगा ना, मैं उसको ऐसा मारूंगा दाढ़ी क्या मूंछ के बाल भी नहीं निकलेगा। मेरे सजनी के सामने मेरे को मारा। अयो भाई साहब, चलते ऑटो खाली है। ऑटो खाली ने तेरे को भाड़ा लगता क्या? पंजा वन्ना, आपने जो मेरे को लाभ लगाया, मैंने मीटर लगाया। अच्छा चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऑटो तुम्हारा, अरे मीटर चलो, एक चार लीटर पेट्रोल तुम्हारा। छोटू मिल लिया, छोटू स्टॉप रैगिंग हिम यार। छोटू तू अपनी हाइट बढ़ा, वरना ये लड़कियां तुझे छोड़ेंगी नहीं। Hey!
पानी पानी रे खारा पानी रे ए ए ए क्या हुआ क्या हुआ अंदर पैंट लीक ही गया बैग चुरा के भाग रहा है चल तेरी तो बहुत दिन से तलाश थी चल ये आप में से किसी का बैग है या इट्स माइन थैंक्स सीसी यू आर ग्रेट दे कॉल मी गीतिका नमस्ते चलेंगे क्यों गीतिका तेरा सीसी तेरे से इम्प्रेस नहीं हुआ अरे पहली मुलाकात थी ना इसलिए अलग ही इम्प्रेशन दिखा रहा था अगली बार मिलने दे उसे मैं दिखाऊंगी लेट्स गो कमाल हो गया ये भी कोई स्टोरी नहीं है मेरे लिए नहीं नहीं ओए गोविंद मेरे पुत्र ऐसी लड़कियां ऐसे चोर तो इस शहर में 10,000 के हिसाब से मिलते हैं तू इन लफड़ों में गाय को पड़ता है यार तू मेरी केटरिंग कंपनी में काम करना यार नंदा साहब खाते वक्त बात नहीं करते ओए खाते वक्त डांटते भी नहीं है यार हाँ जी बोलो तुसी पहले रत्ना का किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा ओ वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरी बेटी सब कुछ करा देगी बहुत बिजी रहती है दिन में 24 घंटे भी उसके लिए कम पड़ते हैं अभी देखना आती है 24 कहानियां सुनानी शुरू कर देगी ओ मेरी बेटी की आवाज ओ क्या आवाज है ओए आ रहे हो पुत्र आ रहे हो ओ पुत्री डैडी पुत्री आई लव यू डैडी डैडी ओ क्या कमाल लग रही है क्या कमाल लग रही है यार तू अरे डैड यू आर नॉट गोना बिलीव व्हाट हैपेंड रियली थोड़ी रोटी खा लो कम ऑन डैड पता है आज क्या हुआ एक चोर मेरा पर्स लेकर मोटरसाइकिल पर भागा ओ इतना बड़ा रिस्क ले लिया उसने अच्छा थोड़ी रोटी खा लो डैड मैंने भी क्या स्टाइल से उसका पीछा किया यू नो क्यों खाम खा इतनी तकलीफ उठाई पुत्र तूने थोड़ी रोटी खा लो व्हाट आर यू सेइंग डैड भला आपकी मेहनत की कमाई मैं उसे कैसे ले जाने देती ओ वाह सुना सुना नाना पाटेकर क्या बेटी के जज्बात है फिर अरे फिर क्या डैड मैंने उस स्पीडिंग मोटरसाइकिल से उस चोर को यूं उठा लिया और फिर पता है क्या हुआ और फिर उसका रोना पुलिस का आना माफी मांगना और पैसे मिल जाना वगैरह वगैरह यस डैड यू आर एब्सोल्युटली राइट बट टेल मी ये सब आपको कैसे पता चला ओ जो जो तेरे साथ हुआ वो सेम टू सेम गोविंद के साथ भी हो गया यार गोविंद हु गोविंद मॉम ओ गोविंद द सन ऑफ अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम पंजाब हु हैज कम हियर एंड राइट नाउ ही इज लिविंग विद अस एंड नाउ एब्सोल्युटली एट दिस स्टेज ही इज डिनरिंग एंड दिस इज मिस्टर गोविंद नमस्ते हाय सीसी हाउ आर यू सीसी मिर्ची लग रही है क्या ये सीसी क्या है यार ओ कम ऑन डैड सीसी यानी कूल कैट एक बार दोबारा बता कूल कैट कूल कैट ओ कूल कैट तू अपने AK-47 को कब मिला यार जी अच्छा हमको चोर अरे आप खाना तो खाइए डैड कोई बैठने को बोलती कभी खड़े होने को क्या है ना डैड आज मैं इसे जानती हूँ कल पूरा आजाद नगर इसे जानेगा और परसों पूरी बम्बई अरे डैड ये अगर हमारे कॉलेज में होता ना तो आज हमारा लीडर होता लीडर और लीडर की बहन को एक कॉलेज में एडमिशन करवाना है तू करवा देना यार बस एडमिशन इज नॉट अ प्रॉब्लम लेकिन किस कोर्स में जी मुझे लॉ करना है लॉ तो मैं अपने कॉलेज में करवा दूंगी ऐसे गीतिका एडमिशन इतनी जल्दी कैसे मिल गया तुमने कोई नई कहानी तो नहीं सुनाई ना अंदर कम ऑन गोविंद मतलब तो एडमिशन मिलने से था ना ओके ओके चिल रत्ना को एडमिशन अपनी टैलेंट की वजह से मिला हैप्पी अब मिलाओ हाथ नमस्ते बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पर चलो व्हाट गीतिका क्या तुमने वाकई कोई कहानी सुनाकर एडमिशन करवाया और नहीं तो क्या तुझे लगता है मिड टर्म के बाद एडमिशन ऐसे ही मिल जाता है क्या अरे बोलना पड़ा तुम लोग कारगिल के रेफ्यूजी हो व्हाट कहीं भैया को पता चल गया ना अरे तेरे भैया को तो कुछ पता नहीं चलने वाला जिस दिन वो मुझे जान जाएंगे ना वो अपना हाथ खुद मेरी तरफ बढ़ा देंगे देख लेना कम लेट्स मीट माय फ्रेंड आ गई अभी इसको दिखाता हूं मैं बराबर चलो चलो जल्दी चलो कुत्ता रोज रोज आ जाना है चलो भैया जल्दी चलो अयो भैया मत बोल मेरे को सजनी वरना चलती ऑटो से कूद जाएगा रजनी हाय मर जानिया तू कितो आ गया थे तेरा ऑटो तो है उत्ते ऑटो छोड़ के उत्ते मैं पहले आ गए इत्ते तेरे नखरे भी तो है कितने ओए कौन से नखरे रोज मेरे ऑटो
ऑटो के पास आती, मेरे आने के सामने मेकअप करती, मेरा दिल धड़काती, ऑटो भी स्टार्ट करवाती, दूसरे के ऑटो में बैठ के भागती। तू अकेली सोनी कुड़ी नो देख के डरा मत, गोविंद भैया ने एक थप्पड़ मारा था तो 12 चक्कर खा गया था। मैं भी एक चट्टे से जड़ दूंगी ना तो कम से कम 6 चक्कर तो लगवा दूंगी। हाँ अरे छे क्या, मैं तेरे साथ लगाने को तैयार हूँ 7 चक्कर, क्योंकि मेरा दिल बेचैन है तेरे दिल से लेने को टक्कर। ले तेरा मद्रासी दिल मेरे पंजाबी दिल ना टक्कर लेगा। ए तू काली, हाँ बोल, कसम रजनी देवा की पूरा मद्रास आठ में भर के पंजाब लेके आएगा रे। जय रजनी देवा। क्या कर रहे हो तुम दोनों, पिछले एक घंटे से मैं। रत्ना अब कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए। कहाँ है रत्ना? आइए ना, पेश है द न्यू एंड इम्प्रूव्ड रत्ना। धन तन। रत्ना क्या ये सब? जी मैं नहीं भैया, वो गीतिका ने कहा कि यही फैशन है। या व्हाट या? कम कपड़ों को तो फैशन कहती हो, हमारे यहाँ तन के कपड़े को इज्जत कहते हैं, जो शरीर को ढकने के काम आता है उतारने के नहीं। जाओ अंदर जाके कपड़े बदल के आओ, जाओ। जी भैया। ओह कम ऑन गोविंद, इट्स नॉट जस्ट फैशन यार, इट्स अ नेसेसिटी, जरूरत है यार। अगर एडमिशन क्लोज के बाद भी एडमिशन मिलता है ना तो इस फैशन की वजह से, अगर कॉलेज में अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो इस फैशन की वजह से, अगर ऑफिस में प्रमोशन मिलता है ना तो भी इसकी वजह से। प्रमोशन एडमिशन सब अपने टैलेंट से मिलना चाहिए, कम कपड़ों से नहीं। फैशन और बेशर्मी में फर्क होता है, गलत फैशन की वजह से गुंडों के सामने परेशानी और इज्जतदारों के सामने कभी कभी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अरे लो ये डॉल ले लो यार, तुम बचपन में खेलता था इसके साथ। क्या दादा आप भी? अरे ले लो। डेनी बाबा वो देख अपना एडवोकेट जनरल स्टोर। बोला ओ कील, इधर आ, इधर आ। तुम एक काम करो स्वाते, थोड़ा मिस्ट्री विस्ट्री लो, जरा हम जाके कोलकाता एक स्टडी करके आता है। ओके क्यों रे, तेरे को गवाही देने का बहुत शौक है ना? अरे ले दिलीप साहब कहाँ है? एसटीडी करने गए हैं। ओ तेरे को वन मोर चांस देता हूँ, चल। एक काली को देख अपने डेनी बाबा का दिल कितना बड़ा है। जब लड़की चीख रही है चिल्ला रही है इसका मतलब है तुम जबरदस्ती कर रहे हो। चलो भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति स्वाति क्या हुआ? दादा हाँ, ये गुंडा मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, इन भाई साहब ने मेरी इज्जत बचाई। ठीक है चलो चलो। दादा थैंक यू तो कहने दो। नहीं नहीं हमको ये गुंडा मोले लोग के मुंह में लगा है। सुनो तो चलो। ये मारा, ये निकल रहे हैं। ए, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे साहब डैनी बाबा को कोई मार रहा है। अच्छा इतने अरे मार साले को।
जबरदस्ती कभी नहीं। चलो थैंक्स, इसको सबक सिखाना जरूरी था। ओए ओए तू है कौन? कोई नया थानेदार है, कलेक्टर है, कौन है तू? तेरे को क्या जरूरत पड़ी थी मेरी दुकान में घुस के हंगामा करने की? दुकान की ऐसी तैसी पीट दी। वो डैनी भाई था, डैनी जॉनी हैंडसम का छोटा भाई। और इससे पहले कि जॉनी गोवा से वापस चला आए, चले जाओ तुम यहाँ से। जाओ जाओ। तू आया किधर से और हमारे एरिया में लफड़ा करने का लाइसेंस तेरे को दिया किसने? तूने मालूम है डैनी को मार के बहुत बड़ी गलती की है। अब जा यहाँ से, जा। गलत को गलत ना कहना सबसे बड़ी गलती है। ओए आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाइए और इस घर से चले जाइए। गुंडागर्दी करने के लिए बंबई में और भी बहुत सारे घर मिल जाएंगे यार। मैंने कोई गुंडागर्दी नहीं की, जो कर रहा था उसे सबक सिखाया। ओए ये तेरा मेरा पंजाब नहीं जहाँ बिना सोचे समझे आप किसी से भी भिड़ गए और बाद में मामला रफा दफा हो गया और फिर किसी ने सुलह कर दी और आपने समोसे खा लिए। ओए ये बंबई है बंबई, यहाँ आदमी अपने काम से काम रखता है। कुछ भी करने से पहले आदमी सोचते हैं, समझते हैं, डरते हैं यार। लेकिन मैं क्यों डरूं? जिसने गलत काम किया है वो डरे। और मैं तेरे से बहस नहीं करना चाहता यार। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गुंडे बदमाश है। तू जा यहाँ से, दबा हो जा यार। एक मिनट गोविंद। ओ कम ऑन डैड, अगर यही बात मेरे साथ हुई होती तब भी आप यही कहते? यू शट अप, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यू शट अप। पहली बार आपके गांव से एक कायदे का आदमी आया है और तुम उसे घर से निकाल रहे हो। मगर अभी तो तुमने कहा था गोविंद भैया ने कोई गलत काम नहीं किया, आप क्यों उन्हें जाने के लिए कह रहे हैं? मेरी बात तो सुनो गोविंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। देखती हूँ इस घर से तुम्हें कौन निकालता है। ओ यार मैं औरतों को समझता ही नहीं। तुम्हें रखना तो रख लो, आ जाओ जी वापस आ जाओ और समोसे खा के जाओ और आलू का पराठा आ जाओ। अब जाने भी दो गोविंद, तुम्हें डैड की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हवा की तरह रुख बदलते रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अगर उन्होंने उस लड़की की चीख सुनी होती तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन जिन्होंने चीख सुनी उन्होंने कुछ नहीं कहा, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन लोगों को अपनी लड़ाई से फुर्सत नहीं, वो दूसरों के लिए क्या लड़ेंगे? अगर वो लोग चुप बैठते मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उल्टा उन्होंने मुझे ही भला बुरा कहा। ओ कम ऑन गोविंद, अगर 40 लोगों ने बुरा भला कहा तो 4 ने अच्छा भी तो कहा ना। और 4 से 40 और 40 से 40,000 होते देर नहीं लगती, वक्त ऐसे ही तो बदलता है। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मानते हो ना मैं स्मार्ट हूँ। और एक अच्छी दोस्त भी बन सकती हो। दोस्ती समा है सनम नवक जाए ऐसे में।
पहले कभी नहीं देखा उसको। नया आदमी है तो उसे डैनी के साथ क्या प्रॉब्लम था? वो क्या हुआ साहिबा, डैनी बाबा थोड़ा मूड में था तो एक छोकरी पे दिल आ गया। तो उसमें क्या गलत बात है? वो आदमी को गलत लगा ना। वो छोकरी उसकी क्या लगता है, बहन उसका? नहीं, उसकी बहन की तरफ तो डैनी बाबा आंख उठाकर भी नहीं देखा। सच्ची सच्ची सदा दूसरे की बहन के लिए हमें गुस्सा। उसका बहन किधर है? मैं हूँ गोविंद की बहन। क्या हुआ? चमेली जॉनी भाई के बात में चुप करी, जानती इसे, इसके भाई से कहेंगे जॉनी भाई के पास आके ले जाए। चल जॉनीज वर्ल्ड तभी खुलेगा जब मैं तेरे भाई के साथ अकाउंट सेटल कर लेगा। लगता है आज एक और अर्थी उठेगी। पंडित जी आपकी तो चांदी है ना, जाके जनाजे का काम शुरू कर दीजिए। अरे देखेंगे,
असली मर्द कौन है, ये या आने वाला है वो? भैया। तो ये तेरा भाई है गोविंद। चल रहा, चलते। एक मिनट, मुझको जानता है मैं कौन हूं? नहीं, मैं जॉनी हैंडसम, तेरी बहन को मैं इधर लाया हूं। क्यों भाई, ये कहां की शराफत हुई? तुमने मेरे भाई डैनी को मारा, वो कहां की शराफत थी? ओ, तो आप उनके बड़े भाई साहब हैं। यस। देखिए, आपका भाई एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए मुझे उसे सबक सिखाना पड़ा। आप उसके बड़े भाई हैं, आप उसे समझाइए कि वो ऐसे ना किया करे। All Indians are my brothers and sisters. तू इंडिया की सब बहनों का बॉडीगार्ड है, जो भी उनको छेड़ेगा तू उनको मारेगा। क्यों, दूसरों की बहनें बहनें नहीं होती क्या? अच्छा, अगर मैं तेरी बहन को छेड़ेगा तो क्या तू मुझे भी मारेगा? रत्ना चलो। लोगों का यही हाल होना चाहिए। आपको देख के लगा था कि आप एक शरीफ आदमी हैं, अपने भाई को समझाएंगे, लेकिन आप तो उससे भी घटिया निकले। ये साले घटिया ही नहीं, कमीने भी हैं। लोगों को डराते धमकाते, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। याद है मुझे भी एक बार पागल बनने पे मजबूर किया था तुमने? याद है साले हरामजादा? साला हल्के भिखारी, हमसे हफ्ता लेता है, नवा नवा कपड़ा पहनता है, अपने आप को हैंडसम बुलाता है। अरे ये तो भिखारी है भिखारी। हमारे गांव में ऐसे लोगों को नंगा करके, गंजा करके, सारे मोहल्ले में घुमाकर भिखारी बनाकर छोड़ देते हैं। ये भिखारी है भिखारी, हम छोटा भिखारी, ये साला बड़ा भिखारी। अरे ये भिखारी के पास साला कपड़ा है और हम नंगा है। हाँ, हम नंगा है। इस साले को नंगा कर दो। अरे चलो इसको नंगा कर दो।
क्या हो रहा जानी को सुना खाना पीना नहीं खाया? ये छोटा मोटा बात तो होता ही रहता है। किधर है वो? जानी कह रहे क्या ये छोटा बच्चा की तरह रोता है? अभी हम आ गया ना सदानंद कुट्टी, सब ठीक हो जाएगा। देख जाने, आपस का दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन अगर कोई बाहर वाला दुश्मनी करेगा ना तो हम सब एक है, मिलकर छील डालेगा राम को। ओ पंदीना कुड़का ने तेरे को सबका सामने मार के हमारा साथ दुश्मनी का छोटा लाइन खींचा, अभी हम सारा पब्लिक का सामने उस साला को फिनिश करके पब्लिक का दिल में डर का एकदम लंबा लाइन खींचेगा। चल तू खाना खा। हाँ तू खाना खा। करीम खान की तलवार की धार अभी देखी नहीं उसने? किधर मिलेगा वो आराम? तो अभी चले क्या? तो और क्या? ए, अभी का अभी मैटर फिनिश करने का। अभी दफना के आते हैं हराम को। चलो। रामशरण जी यहाँ के समाज सेवक, हम इनकी हर बात मानते हैं। नमस्ते जी, मैं गोविंद नारंग हूँ, आपने मुझे बुलाया। जानता हूँ भाई, जानता हूँ, तुम्हारा नाम तो अब सभी लोग जान गए। तुम्हें तो इन्हें जॉनी के गुंडा राज से छुटकारा दिलाया। देखो ये सब ना तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अब तो तुम ही हमारे नए मसीहा हो, इसलिए हम ठेले वाले जो हफ्ता या टैक्स जॉनी भाई को दिया करते थे अब तुम्हें दिया करेंगे। हम शॉपकीपर्स ने भी यही फैसला किया है। हाँ, और हम सब नवजीवन कॉलोनी वालों का चंदा या टैक्स जो भी बनता था वो अब हम तुम्हें दिया करेंगे। डेफिनेटली, तुम तो लायक भी हो लेने के लिए। जी आप लोग गलत सोच रहे हैं, मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। टैक्स की असली हकदार तो सरकार है। आप लोग टैक्स ईमानदारी से सरकार को दीजिए। कौन रे वो कुत्ता? Thank you.
दूसरा गली से। बहुत भगाया। इससे पहले और भगाए छोटा छोटा पीसेस करो इसका। जाओ दबला ना साले को यहीं पर। काट दे साले को। गोविंद, तुम्हें वापस घर में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अंत भला तो सब भला। जी हाँ। अब अगर तुम ठीक हो गए हो तो बताओ आगे क्या सोचा है? जी, अब मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। इसी के बारे में आपसे राय लेनी थी। तो ऐसा करते हैं, मार्केट चलते हैं, बाकी लोगों से भी पूछ लेते। ये कौन है? नंदा साहब के कोई रिश्तेदार लगते हैं, लगता है पंजाब से आए हैं। ओए नंदा, ए शाम को बराबर गाड़ी चला के बाड़ा लेके आने का। ठीक है ठीक है। हां नंदा, ओए नंदा टकले, ओए नंदा नंदा। हां
हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैं बलराज नंदा। तुसी मैनू नहीं पछाणिया? नहीं जी मैं तुहानू नहीं पछाणिया। तुसी कौन हो? ओ मैनू नहीं पछाणिया। नहीं जी मैं तुहानू कह रहा मैं तुहानू नहीं पछाणिया। ओए नंदा तू हो गया अंधा, तू मैनू नहीं पछाणिया। ओए छड्डो ए मजाक ना करो ए। ओ सजड़ी किते सजड़ी सजड़ी सजड़ी। ओ सरदार जी रुको तुसी। ओए सजड़ी ओए सजड़ी ओए सजड़ी। ओ की हाल है तुहाडा? की हाल है सरदार जी? पागल हो गए की कर रहे हो तुसी? एक मिनट यार सवाल हो गया, किड्डी बड़ी हो गई है, इन्नी इन्नी सी थी यार मैनू भूल गई। तुसी हो कौन? हो कौन? ओ बैठ के टीवी देख रही है, बीवी नहीं बननी तुहानू। चाचा जी कौन है ये? ओ मैं तुहानू नहीं पछाणा, तुसी की कर रहे हो इत्थे? यार गल ना कर यार, इक दे वहां फिर। मैं मुंडा लै के आया जलंधर तो, ऑटो चलांदा चंगा मुंडा है, सजरी दी गल कीती थी। ओ मैं तुहानू किया ना मैं तुहानू नहीं पछाणा, तुसी हो कौन यार? नहीं पछाणिया? हां ए भी नहीं पछाण रही है, तुसी भी नहीं पछाण रहे हो। हाय रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा। सजरी देवा देवा ऑटो वाला ऑटो वाला ऑटो वाला ऑटो वाला ऑटो वाला हे हे ऑटो वाला। अयो मो देवा सरदार जी मैं तुहानू पहचान लिया। हां जी आ जा ऑटो वाला ऑटो वाला। सजनी पुत्र तू बाहर जा बाहर जा, मैं सरदार जी दी खातिर करांगा। हां जी हां जी दरवाजा बंद। सरदार जी आ रहे आ रहे, फिक्र मत करो ऑटो। ओ जी ए दरवाजा भी बंद। लो जी हुन होगी खातिर ऑटो वाला ऑटो वाला। हां जी हां जी आओ जी लो जी मद्रासी सरदार जी आओ जी आओ जी आओ जी आ ए आ ओ तड़ी ए तड़ी ए तेरी सजनी ना आया बाहर बन के सारी सारी ए तेरी तड़ी ए अगला तड़ी ए तड़ी ए तेरी सजनी ना आया बाहर बन के क्या रे एक जगह मारता अम्मा ए तेरी तड़ी आ अस्किरे मालूम नहीं क्या हुआ रजनी अन्ना? अस्किरे मालूम नहीं एक ही जगह मारता मालूम कितना तकलीफ होता। मैं कितना मेहनत करके मैक पकड़ के आया, ये आदमी मारता मेरे को। सजड़ी तू डरना नहीं, मैं आएगा। रजनी पीछे हट, लोग भेष बदल कर आ रहे हैं हमारे घर में, यहाँ क्या हो रहा है? ओए तू चुप कर, मैनू पता है थे की हो रहा है। ओए तू मंदा नहीं है। चाचा जी मैं ओएनू छोड़ो को गोविंद और तू हट जा सामने तो। लड़े से ले 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 लड़े। आए भाई जी बहन जी इधर आइए इधर आइए इधर। और जो माल अंदर 200 का मिलेगा ना इधर 50 रुपए का पड़ेगा। आइए आइए जल्दी आइए जल्दी बोले की जाइए आइए आइए जल्दी आइए आइए। क्या बोला तू? मेरी दुकान के सामने ठेला लगा तो ऊपर से मेरा ही ग्राहक तोड़ता है। चल हटा यहां से अपना ठेला। ए ठेला इधर ही रहेगा, तेरे को जो करना है कर ले। हाँ बोले बहन जी। वो सब झोनी के दम पे था, अभी उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। देखता हूँ तेरा ठेला यहाँ कैसे रहता है। ए चल जा अंदर। ए बुढ़ा ए क्या बोल दे रहा बे? साला जॉनी इधर हो ना हो हम लोग इधर ही धंधा करेंगे। लफड़ा मत कर, बहुत भारी पड़ेगा तेरे को। क्या हुआ अब्दुल भाई, क्या हुआ? सुना देव साहब क्या बोल रहा है ये? क्यों रे? एक तो तुम सब यहाँ गैर कानूनी ठेला लगाता है, ऊपर से दादागिरी करता है, पूरी मार्केट गिरवा देंगे। हमारा ठेला तोड़ा तो तुम्हारी दुकान भी तोड़ेंगे हम लोग। तेरी यही हिम्मत, तू हमारी दुकान तोड़ेगा? धमकी देता है तू? ऐसा ही समझ बुढ़ाओ, थोबड़ा तोड़ूंगा साहब। एक मिनट क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? अरे एक मिनट बोलता है कि थोड़ा तोड़ देगा मेरा। क्या करेगा? बोलता है धंधा इधर से हटा, हम किधर जाएगा? तो फिर सस्ते में माल बेच के हमारा धंधा काहे को तोड़ता है? हमारा माल हम कितने में चलाएंगे? और राम सर जी आप बताओ ऐसे में हम अपनी दुकानें कैसे चलाएं? ए पगड़े सरदार जी, ऐसे में तो किसी का भी धंधा नहीं चलेगा, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ गोविंद जी आप ही कोई हल निकालो। हाँ गोविंद पुत्र, जैसे तुमने जॉनी को यहाँ से निकाला, इन भिखारियों को भी निकालो। एक मिनट बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो गोविंद कोई ना कोई हल निकालेगा, लेकिन आप सबको भी उसकी बात माननी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? सरदार जी मंजूर है। रामशरण जी मैं तो इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन इस समस्या का हल इतना आसान है? गोविंद आप कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। वो कहते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। मेरे ख्याल से सब आ गए हैं। गोविंद तुम ही समझाओ तो बेहतर रहेगा। हाँ सुनिए 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 सुनिए, देखिए आप सबकी समस्या का एक हल हमने सोचा,
इसीलिए हॉकर्स भाइयों के साथ साथ दुकानदारों को भी यहाँ बुलाया। ये रघुनाथ रेड्डी जी हैं, हरिओम नामक एक संस्था के ट्रस्टी। इनकी संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और हमारी समस्या सुनने के बाद ये लोग हमारी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। आज इस जमीन की कीमत मार्केट में 2 करोड़ रुपये है, जो रेड्डी साहब हमें 1 करोड़ रुपये में देने के लिए तैयार है। उसमें से 50 लाख रुपये हमें अभी देने पड़ेंगे और बाकी के 50 लाख आसान किस्तों में। देखिए, अगर आप लोगों ने 25,000 रुपये भी जमा किए तो 40 लाख हो जाते हैं और बाकी के 10 लाख दुकानदार भाइयों से जमा कर लेंगे। बोलिए, आप लोगों को मंजूर है? हम दे देंगे, हम दे देंगे, हमें मंजूर है। और क्योंकि गोविंद ने हमें राह दिखाई है, इसलिए इस मार्केट का नाम भी गोविंद मार्केट होना चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल गोविंद मार्केट। जो भीड़ में तन्हा चलता है, सबसे आगे वो निकलता है। जो कड़ी धूप में जलता है, वो ठंडी छांव में पलता है। जो होता सच्चा अभिमानी, वो देता है हर कुर्बानी। ये दुनिया उस पे नाज करे जो बढ़कर आगे। आगाज करो, आगाज करो, आओ मिलके आगाज करें। तो मिली है मेरे को कितने दिनों के बाद, गले लग के गर्मी बुझा दे आज। गर्मी बुझाओ, ठंडा पियो। साहब आ गया तेरा गर्मी बुझाने वाला। अरे पैतकार यार, रनिए उंगली मत कर मेरे को मोहब्बत के बीच में, नहीं तो दफना दूंगा तेरे को जू के बीच में। क्या लेंगे आदमी है वो? ओए तू मोहब्बत ही करता रहेगा या शादी शादी भी करेगा? ना मैं हूँ निकम्मा, ना तू है निकम्मी। शादी करके हम दोनों बनेंगे डैडी और मम्मी। ले कर ले गल, आटे दाल दा भा पता है तेनू, डैडी बनेगा, खिलाएगा क्या? जा तेरा राशन वाला भी आ गया, तू 4 बारी चक्के रख ले, बच्चे आधे कम आएगी। कम आएंगी साले, दुनिया से कम करता डाई। या डा 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 डाई पैतकार, ये ना डाई सिंचन खिला कर मेरे बच्चे को कड़े कड़े बेमत मार देगा। चल रे, चल हट साला। या एक बात बता, तू मद्रासी मैं पंजाबी, कैसा होएगी शादी? मक्के की रोटी सांभर से खाएंगे, धर्मेंद्र हेमा के वहाँ भी हम भी शादी बनाएंगे। और शादी की बात कौन करेगा? कल ही आऊंगा टकले से बात करने घर तेरे। टकला माना तो ठीक, नहीं तो बिन पैरे हम तेरे। जा, तेरा नया रिश्तेदार आ गया, हुण वेख की बेच रहा है। क्या बेच रहा रे, क्या बेच रहा रे? साला तेरे को बेचने के लिए यही ऑटो मिला रे साला। गन्ना बेच रहे तेरा रिश्तेदार। गन्ना ऑटो में डालने वाला गन्ना कौन रे बदतमीजी? एक जमाऊंगा तो उतर जाएगा पैंट कमीज। अरे मेरी पैंट कमीज उतारेगा तू? चल मैं तेरी उतारता हूँ, चल चल। तू इसको लेकर गया था मस्करी में थोड़ा वो? जो पूछा उसका जवाब दे, तू इसको लेकर गया था? वो मेरे ऑटो में मस्करी में। तो चुप कर, तेरा इसका चक्कर चल रहा है? नहीं। हाँ जी। तो इसके साथ खुश रहेगी? अरे सुन, तू तू इसको खुश रखेगा? ये थोड़ा चुप बैठेगा तो मैं इसको खुश रखेगा? तू चुप कर। नमस्कारम, वणक्कम, स्वागतम, मुबारकम, वेलकम टू द इंडियन मैरिज। कसम चू
तुझको भेजूंगा दुल्हन मैं बनाई को अतीत की इन यादों के साथ अपने अतीत को भी नदी में बहा देना। रत्ना और मैं भी तुम्हारे साथ चलते, लेकिन क्या करें, कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ। पंजाबी अन्ना, मेरा भी दिल करता आपके साथ गांव चलो, उधर जाके हनीमून मनाओ, लेकिन क्या करेगा इधर सजनी अकेली है ना। ओए सजनी के रजनी, दिलशील काम वाम में भी लगा, समझा की नहीं? हाँ क्या करता पागल है, डराता है। मैं चलता हूँ चाचा जी, रत्ना का ख्याल रखेगा। और तू रत्ना की फिक्र मत कर, बस तू जल्दी जा और जल्दी आ। अगर हम इसी तरह मिलजुल के काम करते रहे हाँ। तो जल्दी गोविंद मार्केट बन के तैयार हो जाएगी हाँ। हाँ। मेरा पाव भाजी का दुकान उधर कोने में, और मेरी दुकान वाह उस तरफ वाह वाह और मेरी उस तरफ हाँ। अरे भाई पहले मार्केट तो बन जाने दो हाँ। फिर जगह भी तय कर लेंगे। भाई यही जगह है ना? अच्छा? यहाँ कैसे? इस तरह से आप यहाँ मार्केट नहीं बना सकते, ये गैर कानूनी है, मुझे ये सब हटाना होगा। ये जमीन हमारी है, 50 लाख दिया हमने इसके लिए। और क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन हमने इसके मालिक रघुनाथ रेड्डी से खरीदी है। कौन रघुनाथ रेड्डी? इस जमीन का मालिक मैं हूँ, चंदू तोलानी, ये इसके कागजात। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए देखिए साहब, आपको गलत फहमी हुई है, गोविंद खुद 50 लाख रुपए देकर आया है। देखिए किसी ने बेवकूफ बनाया आपको, 10 करोड़ की जमीन 50 लाख में, अरे बहुत बड़ा धोखा दिया है आपको। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैं कुछ नहीं जानता इंस्पेक्टर, ये सब खाली करवाओ। आप जाकर बाहर बैठ के मैं जमीन खाली करवाता हूँ। ठीक है जल्दी करवाओ, चलाओ। ऐसे कैसे खाली करवाओ? Yeah!
जाओ जल्दी से पेपर लेकर आओ अभी जाओ जाओ अभी ओम नमो राय पितरो ओम नमो शेषा पितरो ओम नमो गुणेन्द्र पितरो पितरे नमः पितरे नमः ओम हो गया ये सब हमारी जमीन गई हमारे पैसे गए हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे शेख रघुनाथ रेड्डी को लाने गया है थोड़ा सब्र करो उसे आ तो जाने दो आखिर कब तक रामचरण जी गड़बड़ हो गई ना तो वहाँ रघुनाथ रेड्डी है ना हरिओम संस्था का ऑफिस वहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं तुम गरीब लोगों का पैसा गया ये देख के अपन के दिल को वो टच कर गया यार साला वो रघुनाथ रेड्डी भी गायब हफीज भी गायब पैसा भी गायब अरे जिसने वो पैसा दिया वो गोविंद भी गायब हो जाएगा तुम हमारे बीच में मत बोलो अरे हम तो बर्बाद हो गए किसी को छोड़ेंगे नहीं हम हमारा खून बहाए हम भी खून बहाएंगे गोविंद के घर चलते हैं तो गोविंद के घर जाओ मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ ये लो रत्ना अगर आप ये पॉइंट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं है माय लॉर्ड मैं इजाजत चाहूंगा अरे भाई ये इजाजत तो सिर्फ रत्ना ही दे सकती है चुप क्या हुआ क्या हुआ तुम लोगों को मैं देख क्या ऐसा बोले तो कुछ मालूम ही नहीं है हुआ क्या है अरे वो गोविंद हम लोगों का 50 लाख रुपए लेके भाग गया है वो गोविंद किसी का पैसा लेकर नहीं भाग सकता आप लोगों को गलतफहमी हुई है गोविंद ऐसा नहीं है यार वही बोल रहे मेरा बात सुनते अरे हम लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई उसको दी थी वो साला हम लोगों के पैसे लेके भाग गया निकालो चोर को घर से मेरी बात अरे गोविंद ये तो क्या हुआ उसकी बहन तो है बाहर उसको चलाओ चलाओ चलेंगे पीछे हटिए आप लोग पीछे आइए प्लीज पीछे हटिए पागल हो गए क्या तुम लोग गोविंद चोर है गोविंद बचाओ पीछे हटो पीछे तुम जानते हो भैया चोर नहीं है मैं जानती हूँ पीछे हटो मैंने कहा ना पीछे हटो आप लोग मेरी बात क्यों सुन रहे हैं पीछे हटिए यहाँ से जाइए यहाँ से नहीं जाओगे तुम जाओगे निकलेगी ये रोडवेज का रूल है क्यों और की पहले जाते प्रॉब्लम बाद जाते प्रॉब्लम साले प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है की देख तू अभी जा और आधे घंटे बाद आधे घंटे में तो मर जाएगी वो तो हम क्या करें भाई साहब गवर्नमेंट के वफादार नौकर जो हैं कानून नियम तो मानना ही पड़ेगा ना
गोविंद भाजी, गोविंद भाजी। ओए उसके पास किवे जा रहा है? अरे वो तो हमसे भी ज्यादा कानून और नियम मानते हैं। गोविंद भाजी, वो देखिए मेरी बीवी कैसे दर्द से तड़प रही है, उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे जल्दी अस्पताल नहीं ले गए तो कुछ भी हो सकता है। आपकी बात तो सारा गाँव मानता है, प्लीज आप इनको चलने के लिए कहिए ना, शायद वो मान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन कायदा कानून भी तो कुछ होता है ना। क्यों बाजी? और की समझदार नहीं बेवकूफ कहीं का। तुम ऐसा करो, अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, बस सही वक्त पर निकलेगी, जाओ जाओ, मेरी बात मानो। सबर कर, पुत्र अनु बहुत तकलीफ हो रही है, कुछ इंतजाम कर। तुम भी करो, मैं कोई और गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। पापा जी। हाँ जी। कितने पैसे हुए? 2 रुपए 12 ने जी। हाँ समझ गया प्राची। अरे इस दूध की चाय किसी को पिलाई तो नहीं? हाँ अभी अभी वो भाई लोग को दी है। आप लोगों ने चाय पी? हाँ क्यों की हो भाई? अरे इसमें तो चिपकली है, जहर होगा ना। अरे क्या करते हैं आप लोग? हाँ अरे प्राजी मैंने देखा ही नहीं, चाय पिलाते हैं सबको। तो मेरा जहर हो गया होगा, तो मैं क्या करूँ, ये दोनों तो मर जाएंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? चालू जान दो, 80 बार जाओगे। अभी आधा घंटा बाकी है, हमें जाने दो भाई, हम मर जाएंगे। अरे आप लोग तो सरकार के वफादार नौकर हैं, नियम और कानून आप लोग तोड़ेंगे तो कौन रखेगा? अभी बस समय पर जाएगी, आधे घंटे बाद। आधे घंटे में नहीं, आधे घंटे में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन अपने लिए नियम और कानून तोड़ोगे, उनके लिए नहीं है? अरे मेरे भाई हम उनको भी ले जाएंगे। आ मेरी माँ। हाँ सुनो 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 सुनो, दूध में चिपकली नहीं थी, मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन आप उनको लेकर जरूर जाइए, समझे? जाओ, चलो जाओ। अरे खोल, खोल। सुनो, नियम और कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान नियम और कानून के लिए नहीं होते। किसी की जान से बढ़कर कोई नियम, कोई कानून, कोई नौकरी नहीं होती, समझे? हम समझ गए, ऐसी याद रखेंगे पाजी। चलो गोविंद, तुम सबके साथ तो इंसाफ करते हो, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? उठो ना गोविंद, कितना सो गए? सोते रहोगे क्या? हाँ उठो ना गोविंद, क्यों सो रहे हो? सो नहीं रहा हूँ, तुम्हारे साथ अपने सपनों की दुनिया में खो गया हूँ। मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ और आप हैं कि सपने देख रहे हैं, उठो ना। मैं 2 महीने ट्रेनिंग पे जा रही हूँ और पुलिस ऑफिसर बन के वापस आऊंगी, पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है, तुम सपने देख रहे हो, उठो ना। और क्या, कल तुम चली जाओगी, उसके बाद क्या करूँगा, सपने ही तो देखूंगा ना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है, ऐसे ही गुजर जाएंगे, मैं यूं गई और यूं आई, तुम देखना। और हाँ, लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे। क्या बात है, मेरे मन की बात तुम्हारे मन ने कैसे जानी? एक जो है। मैं आज बहुत खुश हूँ गोविंद, अपनी सपनों की दुनिया में मुझे भी ले चलो ना। मोहब्बत का मतलब समझने लगा हूँ, मोहब्बत का मतलब समझने लगा हूँ, मोहब्बत का मतलब समझने लगा हूँ। मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगा हूँ, मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगा हूँ। मन तेरा मेरा मन एक रहे, तेरा मेरा मन। मोहब्बत का मतलब समझने लगी कि तुझ में धड़कने लगी हूँ, मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगी हूँ।
देखूं जहां प्यार ही प्यार हो, ऐसा ख्यालों का संसार हो। नन्हे खिलौनों से भर जाए घर, घर को लगे ना किसी की नजर। यही सोच के मैं तड़पने लगा हूँ, मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगा हूँ। मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगी में। गूंजेंगी शहनाइयां, मिट जाएंगी सारी तन्हाइयां। मेहंदी महावर लगाऊंगी मैं, सिंदूरी सपने सजाऊंगी मैं। इसी आरज़ू से महकने लगी कि तुझ में धड़कने लगी हूँ। मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगा हूँ। मोहब्बत का मतलब समझने लगी हूँ। मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगी हूँ। मैं दिल बन के तुझ में धड़कने लगा हूँ। जी को कार्ड देने जा रहा था, आप लोग भी आइएगा। आओ जरूर आवांगे, जरूर आवांगे। अच्छा सत श्री अकाल। जी चाहता है गला घोट दूं इसका। दुनिया को अच्छाई बुराई की शिक्षा देता हूँ मैं, और मेरे ही अपने घर में लोग तू कहेंगे, हम पर तू कहेंगे, जानकी तू कहेंगे। इतना बड़ा बोझ लेकर कैसे जीऊंगा मैं। अरे ये सब होने से पहले इसकी जान भी ले लेता था। हटाओ हटाओ इसको मेरी नजरों के सामने, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हटाओ, ले जाओ इसको यहाँ से। बासी जी क्या हुआ? अब होने को क्या बचा है गोविंद, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी इज्जत शर्म सब कुछ। बासी जी बेटे एक काम करो, कहीं से जहर लाके दे दो मुझे। ऐसा क्या हुआ मासी जी, आप आज्ञा दीजिए ना, मैं कुछ करता हूँ, मैं हूँ ना। मेरी बेटी पुष्पा से शादी करके उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपना नाम दे दो गोविंद, अपना नाम दे दो। मासी जी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे बचा लो, मेरे घर की इज्जत बचा लो, नहीं तो मैं लुट जाऊंगा। ये तो अच्छा है कि लक्ष्मण यहाँ नहीं है, नहीं तो मार ही डालता इसे। आप आराम कीजिए मासी जी, आराम कीजिए। मासी जी मैडम आप जल्दी आ गए। मुझे किसी को सरप्राइज देना, आप चलिए मैं आती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई, और हाँ लौटते ही सीधा स्टेशन से तुम्हारे घर आऊंगी और शादी करेंगे।
Mr. Govind Narang, looks like I have to arrest you today. I'm coming for you. कैसी हो? ये गोविंद, वो सुधा दीदी, ये है पुष्पा भाभी, गोविंद भैया की इनसे शादी हुई है। और भाभी ये है सुधा दीदी, गोविंद भैया की दोस्त। कैसी हो सुधा? सुधा, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ आने का और तुमसे कुछ कहने का हक नहीं बनता मेरा, लेकिन बोलते रहो, सुन रही। देखो, मेरा साला यहाँ आया हुआ है और मैं ये नहीं चाहता कि उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। जाओ यहाँ से प्लीज। तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं रुकी हूँ, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। इस गांव में मेरी पोस्टिंग हुई है गोविंद। देखो, मैं तुमसे ये नहीं पूछती कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, एक पल में इतना पराया क्यों बना दिया, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। देखो, मैं तो यहां सिर्फ समझाने आया था, आगे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया गोविंद नारंग, थैंक यू। देखिए ना वीर जी, इनको पता है कि आप आ रहे हो, फिर भी वो घर पर नहीं है। इससे अच्छा होता कि मेरी शादी नहीं होती। शादीशुदा होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। बस कर पुष्पा, बस कर, मेरा खून खौलता है सब सुनकर। मैं यहाँ 2 महीना नहीं था, उसने अपने प्यार के जाल में फंस कर तुझे शादी से पहले पेट से कर दिया। इसी सदमे की वजह से बाबूजी की मौत हो गई। लानत ऐसे ट्रक ड्राइवर की नौकरी पर। अगर मैं यहाँ पे होता तो उस हरामजादे को यही काट डालता। अरे क्या नहीं किया बाबूजी ने उसके लिए, पढ़ाया लिखाया, समाज में रहने लायक बनाया, और उसने छह शर्माती उस हरामजादे को अपना दोस्त कहते हुए। कैसा है लक्ष्मण? खाना खाया तूने? खाने की बात छोड़, तू मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहा है। उसे उसका हक देना, वरना तू मेरा गुस्सा जानता है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा, भूल गया क्या? बाबूजी कितना एहसान है तुझ पर। पुष्पा तेरी पत्नी है, तेरे होने वाले बच्चे की माँ। छोड़ ये सब बाहर के चक्कर। अरे तेरी जगह कोई दूसरा होता ना, गर्दन काट के मेज पे रख देता। बहुत सहन कर चुका हूँ मैं। सहन करने के लिए मैं हूँ ना वीर जी, पत्नी मैं हूँ, और हक हक उस पुलिस वाली के पास है, और ये उसके। बस भी कीजिए ना आप लोग, बहुत बोल। मुझसे क्यों नहीं बात करता? अरे बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? दीवारों से नहीं बातें कर रहा हूँ मैं। ये कभी कुछ बोले हैं जो आज बोलेंगे, बस खाते रहेंगे। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे साले क्या कर तो देख। भैया जाने दो, वीर जी जा रहे होंगे उनकी महबूबा के पास। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, एक एक से हिसाब लूंगा, चाहे वो तेरा पति हो या वो कमीनी पुलिस वाली। ओए एकी, तो सारी जनानियां इत्थों कित्थों आ रही हैं? एकी हो रिया। ओए भाई साहब, ओए रुको, ए थानेदार जी से मिल रहा है, रुको चला रुको, 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 अरे ए कमाले यार, रुको भाई। ओए ए थानेदार जी, बाहर आ, ए बाहर आ। मैडम वो बाहर बहुत सी लेडीज जी आपको बुला। जाओ
इसको। बजाओ, और जोर से बजाओ। ए, आप लोगों ने बजाना क्यों बंद कर दिया? क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? ए, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। गांव वालों, यही वो औरत है जिसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। इस गंदगी को यहाँ से निकालना पड़ेगा। आज मेरा पति है, कल किसी और का होगा। ये कब तक चलेगा? ऐसी औरत को यहाँ से भगाना ही होगा। ये, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई रे? सांप सुन गया क्या? क्यों बहनों, आप लोग क्या चाहते कि आपके पति भी इसके साथ भाग जाए क्या? इसे गांव में रहने कोई हक नहीं है। मारो इसको, मारो, निकालो यहाँ से। सर जी, मैं गोविंदपुर तो सुखवंत सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ लेडीज ने बहुत गड़बड़ कर दी है जी, आप जल्दी आ जाइए प्लीज सर। बस, बस बहुत हो गया, जो जी में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं आप लोग। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। मेरी विनती है आप सबसे पीछे हट जाइए, नहीं तो मुझे सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। मूव इट, मूव बैक, जाइए। Move it. अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये मत समझना मैं तेरे से डर गया, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चल बहना। मैडम, सर की बस आ गई। जनाब। चलो पापा। ये साले बस वाले भी पीके चलाते हैं। तेरी। चलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सॉरी सर, आपको खामखा इतनी दूर आना पड़ा। खामखा क्यों? तुम्हारे यहाँ से तो फोन आया था। क्या गड़बड़ हो गई है? जी सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गोविंद नारंग को जानती हो? हाँ। क्यों सर, कोई बात हो गई? किसी को बताना मत। हाँ? वो जो गोविंद की बीवी है ना, पुष्पा, वो मेरी महबूबा है। चलो इसी बहाने पुष्पा से मिल लूंगा। अरे अच्छी खासी दोस्ती यारी चल रही थी हमारी, पेट से हो गई साली, बोली शादी कर ले। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, तब भी उसके बाप को बोला रखता हूं, उसका खर्चा दूंगा, बट भड़क गया। ठीक है, बाद में बुड्ढे ने अपनी बातों में फंसा कर उसे गोविंद के गले बांध दिया। साला हरामखोर, हो गई गोविंद की शादी पुष्पा से। बेचारा वो तो किसी और से करने वाला था, उसने तो आज तक पुष्पा को छुआ तक नहीं, और तो और मेरे बच्चे को भी उसने अपना नाम दे दिया। यकीन नहीं होता, आला आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, याना नहीं, मैं भी आता हूँ। क्या देख रही है पुष्पा? चांद ढूंढ रही हूं। आज करवा चौथ है ना, इन सब रिवाजों से मुझे नफरत है। करवा चौथ है तो बीवी उपास रखे। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है, और इस चांद को भी आज ही छुपना था। अरे मेरी बहन खुद चांद जैसी है, उसे चांद की क्या जरूरत, चला खाना खाते। नहीं वीर जी,
पति के हाथ से खाना खाते हैं ना। अरे तेरा पति नहीं आएगा तो क्या भूखे मरेगी? चला खाना खाते हैं। नहीं बीजी, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ बैठ आराम से, आज मैं अपने हाथ से ले लूंगा। मेरी बहना बहुत भूखी है, ये ले। याद है बचपन में हमेशा मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था। तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है। वीर जी, आप जैसा भाई हर जन्म में मिले, लेकिन ऐसा धोखेबाज पति भगवान दुश्मन को भी ना दे। तू उल्टी सीधी बातें छोड़, तू खाना खाना बेटा। नहीं वीर जी, मेरा पेट भर गया। तेरा पेट भरा होगा, लेकिन उसका आज से तुझे डबल खाना चाहिए। थोड़ा अपने लिए, थोड़ा उसके लिए, ये ले खा ले। जिद्दी हो गई है तू। वीर जी, मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरा पति मेरे ओर देखता भी नहीं है? अरे उसकी नजरें कमजोर है जो तुझे पहचान नहीं पाया। अब बातें कम और खाना ज्यादा, ये ले। क्या हुआ? वीर जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बदमाश लात मारेगा तुझे। हे बदमाश, मेरी बहन को तकलीफ दी ना, बाहर निकलेगा तो नाक काट लूंगा तेरी। ये ले खाना खा, उसके लिए खा ले। नहीं वीर जी, पुष्पा पेट में बहुत जलन हो रही है। अरे पुष्पा, ऐसी हालत में ऐसा होता है, सब ठीक हो जाए, खाना खा ले। डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर? अरे क्या करेगी तू डॉक्टर के पास जाके? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी वीर जी। वही तो मैं चाहता हूँ कि तू मर जाए। क्या? हाँ, इसीलिए मैंने तेरे खाने पे जहर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल गई है। दोषी गोविंद नहीं, दोषी तू है पुष्पा। हाँ तू, तेरे पेट में उस कमी ने पुलिस वाले का पाप पल रहा था। तेरे यार ने सर झुकल दिया तो उस हरामजादे को वहीं मार डाला। और अब तू मरेगी। मुझे बचाओ वीर जी, मुझे बचाओ। नहीं, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। तेरी इस हरकत की वजह सारे खानदान की इज्जत नीलाम हो गई। तेरी वजह से बाबूजी मर गए, तेरी वजह से माँ मर गई, तेरी वजह से मैंने उस देवता समान गोविंद पर शक किया। तेरी गलती माफी लायक नहीं है पुष्पा, तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। वीर जी, मेरे बच्चे को तो बचा लो। नहीं, इस पाप को इस पवित्र मंदिर में जन्म नहीं लेना चाहिए, तेरे साथ देवी मरेगा। तू मर जा पुष्पा, तू मर जा। नहीं, वीर जी। नहीं, तू रोएगी तो तुझे बचाने को जी करेगा। तू जानते है मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तू मर जा पुष्पा, तुझे इस पापी शरीर से छुटकारा मिल जाएगा, इसी में सबकी भलाई है। भीजी, भीजी। भाभी, भाभी क्या हुआ? Hey! कोई ऐसे हाथ नहीं लगाएगा। जा यहाँ से, जा, जा। भैया, गोविंद भैया। ऐसे ही तड़प तड़प के मरेगी तू, कोई नहीं बचाएगा तुझे। पुष्पा, नहीं गोविंद, हट जाओ। लक्ष्मण, हट जाओ, हाथ मत लगा, तू जानता नहीं। पुष्पा, पुष्पा, ये तूने क्या किया लक्ष्मण, ये तूने क्या किया? तू इंसान है या जानवर? आज तक जानवर ही था, इसे मारकर इंसान बना। गोविंद, भगवान शंकर के साथ पार्वती अच्छी लगती है, ऐसी औरतें नहीं। इसकी वजह से मैंने तुझे अपने माँ बाप का कातिल समझा। कितनी बार तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तूने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तू महान है गोविंद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे।
लाओ चाबियां दे दो, ये रहे घर के कागजात और चाबियां। गोविंद पुत्र, तू अपनी सारी जायदाद पंचायत दाना करके अपना गांव और मिट्टी छटके जा रहा है। जी, सोच रहा हूँ रत्ना को शहर ले जाऊंगा, वहां से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा। सरपंच जी, मेरी एक ख्वाहिश है कि इस घर में मासी जी के नाम का एक स्कूल और पिताजी के नाम से एक अस्पताल बनाया जाए। चलता हूँ। मेरी बहन जीती रहे पुत्र, वाहेगुरु खुश हो। चलो मेरे भाई ने प्यार और पैसा दोनों इंसानियत के लिए त्याग दिया, और जिस प्यार को भैया ने जुबान के लिए कुर्बान किया वो इसी की सुधा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ऐसा आदमी चोर और धोखेबाज हो सकता है तो फिर आपका जो जी चाहे वो कीजिए। हमें माफ कर दो बेटी, हमने गोविंद पर शक किया, हमारे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब हम क्या करेंगे? हौसला रखिए, भैया को आने दीजिए, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। रामशरण जी, रामशरण जी। अरे कौन? ये क्या है? लोग मुझे चोर कह रहे हैं, क्या मैं चोर हूँ? मैं जानता हूँ बेटा कि तुम नेक इंसान हो, लेकिन ठेले वालों की जमीन और पैसा दोनों ही चले गए ना, वो रघुनाथ रेड्डी ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। आप तो जानते हो उसे, आप ही ने तो मिलवाया था मुझसे, आपको तो मालूम होगा वो कहाँ रहता है। बहुत जगह ढूंढा बेटा लेकिन कहीं नहीं मिला। हाँ, एक जगह है, शायद वो वहां मिले, वो अक्सर यहाँ आता है, बल्कि ये जगह भी रघुनाथ रेड्डी की है। ये जगह तो बिल्कुल खाली है। खाली नहीं है बेटा, बन रही है। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, रेड्डी साहब, रेड्डी साहब, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। रेड्डी साहब, बोलिए रामशरण जी, क्या हुआ? क्या हुआ? उन लोगों की जमीन गई, उनके पैसे गए, उनका खून बाहर, आप पूछे क्या हुआ? या तो उनके पैसे लौटा दीजिए या जमीन। देखो गोविंद, आपको तो उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज से बात करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज? अरे तुम उन्हें जानते हो? रामचरण जी भाग जाइए, हम फंस गए, भाग जाइए, हम फंस गए। मैं नहीं गोविंद, तुम फंस गए हो। किधर जाता है भाई? मैं तो समाज सेवक हूँ भाई, मेरा काम है सबकी सेवा करना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने इनकी सेवा की है। क्यों ना? नहीं अब्बा, इतना हैरान क्यों? ये तो पहला सरप्राइज है। दूसरा सरप्राइज मैं तुझे आजाद नगर वालों के सामने दूंगा। चल। कॉलोनी वालों, बाहर निकलो, इधर देखो, ये नंजी गुड़का ने तुम लोगों के वास्ते पंगा लिया, अभी इसका क्या हालत किया हम लोग? देखो इधर देखो, ये तुम्हारा गॉडफादर। इसने तुम लोगों की मदद की थी ना, अब इसकी मदद के लिए नीचे आओ। देखो ये कैसे तड़प रहा है, देखो। बहुत शौक है ना तेरे को भागने का, चल दिखा भाग के, लगा मिर्ची और भाग दिखा।
अभी आंखें नहीं बंद करने का, हाँ दोनों आंखें खोल के रखने का, तेरे को अभी दूसरा सरप्राइज दिखाने का है, हाँ वो देख, देखो, हाथ में पहने ना, यार तुम को बचा दे, इस दिन का मुझे बहुत टाइम से इंतजार है। साला इन्हीं लोगों का सामने तूने मेरे भाई को मारा, मुझको मारा, मुझको नंगा किया, मुझको गंजा किया, हाँ उस दिन से आज तक मैंने अपना खोपड़ी पर बाल तक नहीं आने दिया। आज इन्हीं लोगों का सामने मेरा भाई तेरी बहन देखता है, साला उसे बताता है। जबरदस्ती कभी नहीं, हाँ तू नहीं कहा था ना, देख जबरदस्ती अभी। मेरे को ही तो भगवान के लिए कुछ करो, एको एक कपड़ा तो डालो, एक कपड़ा तो डालो रे रजाहरम, एको एक कपड़ा तो डालो रजाहरम रजा, आरम ए भाई साहब,
अभी रत्ना से मिल के आ रही। शी इज बेटर नाउ। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। गोविंद, इस पर साइन कर दो। क्या है ये? जिन लोगों ने तुम्हारे और रत्ना के साथ ये सब कुछ किया, उन सब के अगेंस्ट इस फाइल में स्टेटमेंट्स हैं। तुम सिर्फ साइन कर दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोविंद, साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। मैं किसी को सजा दिलवाना नहीं चाहता। ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो गोविंद, तुम किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहते? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। नहीं, मैं इस गोविंद को नहीं जानती। जबरदस्ती। गोविंद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन का रेप किसने किया उसने नहीं देखा। और क्या बयान देता? कितना जिसके साथ हो जाए उसकी तो बोलती बंद भी हो जाएगी। ओ गार्डा ने हमारा साथ गुड़बा किया, दुश्मनी किया। क्या हुआ? साला हॉस्पिटल में चादर लेकर पड़ा। अरे भैया, अगर वो पहले वाला गोविंद होता तो चादर का कफन बना दिया। भाई गरीबों का मसीहा। बस बस यार, बस बस बस, अभी उस साले का बात नहीं करने का। वो चैप्टर क्लोज, लेट अस सेलिब्रेट। आया है। अरे फिर आया है। अब आया है तो क्या है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक शेर याद आया है। बोलिए बोलिए। मैं अपने मोटापे पर इस कदर हैरान हो गया हूँ, बार बार आते जाते परेशान हो गया हूँ। इतने सारे पोस्टमैन, बोरिया भर के लेटर्स। मिर्जा साहब, हमारी सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार रहने आया है क्या? अरे आपके सामने एक शायर आजम बैठा है, वो किसी फिल्म स्टार से कम है क्या? देखो नहीं, कितनी सब फैन मेल आ गई। अरे जनाब, मेरी शायरी के हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं। तनाटन 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 तनाटन। आओ भाई आओ, इसमें लड़कियों के खत कितने हैं? अरे भाई, इतने सारे लेटर्स किसके लिए हैं? साहब लेटर्स ना, लीगल नोटिस आए। अयो, ये हमारे सोसाइटी में कौन इलीगल काम किया है जो ये लीगल नोटिस लेके आया है? अरे मेरे ख्याल में हमारे फ्लैट्स कहीं इलीगल जमीन पर तो नहीं है? अरे बिल्डर का नोटिस तो नहीं कहीं? अरे अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम सबको आती नोटिस ना। आओ सबके वास्ते है, ये लो अपना अपना नोटिस। बिल्ले अब्दुल रहमान, क्या रे, क्या चाहिए? बख्शीश चाहिए? नहीं साहब, लीगल नोटिस है। ये बख्शीश मेरे को किसने भेजा? साइन कीजिए। क्यों बच्चा, मनी ऑर्डर लाए हो? नहीं सर, ये तो लीगल नोटिस है। ओ गॉड, लव लेटर्स? नहीं सर, लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस? लीगल नोटिस? अरे मेरी छिंची टोपी वाली बीगम ने। हेलो एवरीबॉडी, कहीं उसने तलाक। अरे क्या हुआ, ये पहले ना सब अपने डाउन क्यों है जा रहे? अरे मिर्जादा, ये देखे की होच्चे। अरे क्या होच्चे होच्चे लगा रखी है यार, ये फिरंगियों की जबान में न जाने क्या लिखा है। अब मेरी समझ में तो आता नहीं, मैंने तालीम दारुल उलूम में हासिल की है। ये देखो शो मी। क्या लिखा है? पूरा सोसाइटी को लीगल नोटिस है। आप लोग फिकर मत कीजिए, हम शाला इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देगा उसको। हम उसको छोड़ेगा नहीं, देख लेगा उसको। अरे भाई किसको क्या लिखा है इसमें? वो चीट है, फ्रॉड है, धोखे बाज एक नंबर का। मगर कौन? अरे गोविंद का बच्चा। गोविंद शाला, हम पर इल्जाम लगाया है, हमको लीगल नोटिस भेजा है,
कि हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में उसका बहन का रेप किया है और उस पर हमला किया। देखा आप लोगों ने कैसी बकवास नोटिस भेजी है। जिसने रेप किया वो ठीक है, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, फिर हम कैसे गुनहगार बने, हमारा क्या लेना देना उसमें। हाँ यार ये तो बात हो गई है। बाबा जी उसने आपको भी रेप का नोटिस भेजा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सारी बीमारी मुझे था। उस नालायक ने मैं रेप किया बोल के नोटिस भेज दिया। मैं रेप कर सकता हूँ क्या बाबा? बोलो सुको, यू चीट, यू डोंगी, ये सब क्या है? मैं जब तुम्हें घर में बुलाती हूँ तो कहते हो मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, हजार बहाने करते हो, और तुम बाहर जाकर ये कारनामा करके आए। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है सुको? आप में कोई कमी नहीं। डाली मैंने कुछ नहीं किया, न घर के अंदर न बाहर। तो तुम्हारे नाम पे नोटिस क्यों आए? कमाल है, इस नोटिस में तुम्हारा भी नाम है, तो क्या तुमने भी रेप किया है? मैंने, अरे भाई लोग सुनो, नोटिस तुम लोगों को आया साथ साथ मेरे को भी आया। खैर मेरी बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी जी को भी? देखो कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे। अनर्थ हो गया बच्चा, अनर्थ। जब डाकी को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम, शांतम पापम, शांतम पापम। ये कैसा हुआ मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सुधापुन भर रहे सारा, किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुलिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड, मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? ए गुल्लू, तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया, कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची? रियली? तू नहीं छूटेगा। अरे भाई मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा। आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा, हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है। अभी तो आप लोग बहुत शोर मचा रहे थे, खामोश क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? बोलेगा, हम बोलेगा, हम डरता है कि? ए गोविंद, तू सबको इतना गलत नोटिस क्यों भेजा? औरतों और बूढ़ों को भी नहीं बख्शा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बाबा हम तो टेलीविजन का ऊपर भी कभी मर्डर और रेप देखता है ना तो बीवी का गोद में डर के मारे छुप जाता है, बोल नहीं। बराबर छे, ये क्या रेप करेगा? ए गोविंद तुम भी कॉमिक है, हमारा नाम देश पांडे है, रेप पांडे नहीं क्या? हा? बच्चा हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हमारे तो ध्यान में भी हमेशा देवता आते हैं। शांतम पापम, शांतम पापम। स्वामी जी की तरह मुझको भी आदमी पसंद है। I hate you. रेप का इल्जाम सुनकर मेरे सारे फ्रेंड्स को मुझ पर शक होने लग गया है। I hate you, गोविंद। I hate you. I'm sorry. तो गोविंद भाई, और सौ बात की एक बात, यार कुछ पैसे पूसे लेने हैं तो ले ले, मगर ये समन वापस करवा दे। हम पैसे तो देंगे, क्या हमें रेप किया है? नहीं देंगे, नहीं देंगे भाई जी। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है आप कोर्ट में कहिए। क्वाइट प्लीज, क्वाइट, शांत रहिए। मेरी जिंदगी में ये अपनी तरह का पहला केस है जिसमें मुलजिमों की तादाद इतनी ज्यादा है कि पूरा कोर्ट कटघरा बन गया है, और जितने मुलजिम कोर्ट में हाजिर हैं उससे कहीं ज्यादा कोर्ट के बाहर है, और इन सब पर एक ही आदमी ने इल्जाम लगाया है। Am I right, मिस्टर हरीश पाटिल? Yes, Your Honor. और इन सबके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मेरे मुवक्किल गोविंद नारंग पर जानलेवा हमला किया Your Honor, और उनकी बहन रत्ना का बलात्कार किया है। एक एक करके बोलिए। जज साहब, हम लोग एकदम शरीफ इज्जतदार और पढ़ा लिखा लोग हैं मिलर्ड, और हम क्या आपको रेप वाला दिखता है? और हमारा भी बहन है, माँ है, हम ये गलत काम क्यों करेगा? माय लॉर्ड, हम हमेशा लड़का लोगों को प्यार किया,
हम लड़की लोगों को हेट करता है, उनका रेप क्यों करेगा? कैन यू टेल मी? बट सर, सर हम बहुत शरीफ आदमी सर, अभी हमारा बीवी हमारा एक स्टूडेंट के साथ भाग गया सर, हम उसका पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं किया सर, देखो हम कितना शरीफ आदमी सर। इसका मतलब आप लोगों ने रेप नहीं किया? एकदम बरोबर। और कुछ देखा भी नहीं? अरे देखा कैसा नहीं, कॉलोनी में तो रेप हुआ, सब लोग बालकनी में खड़ा था, सब ने देखा, मैंने देखा, ये मिर्जा साहब। अब तुम ऐसा नहीं बोलना कि देखना भी गुनाह है। इसका मतलब ये गुनाह आपने नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उन्हें गुनाह करते वक्त आपने देखा था, क्या आप उन्हें जानते हैं? जनाब, हम इस इलाके के नेता या एमएलए का नाम भले ही न जाने, मगर इस इलाके के सारे गुंडों का नाम हम जानते हैं। जज साहब, वो गुंडे तो कमीने हैं, लेकिन ये भाई बहन उनसे भी बड़े कमीने हैं। जरा देखिए सर उसकी बहन की तरफ, अगर हजार लोगों ने उसका रेप किया होता तो क्या वो इस तरह अदालत में बैठी रह पाती? नो, इट्स नॉट पॉसिबल मिलोर्ड। ओ शरद साहब, इसका इल्जाम सरासर गलत है। असल बात ये है कि ये हम पर रेप का चार्ज लगाकर हमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। जज साहब, न जाने इससे पहले कितनी बार कितने शहरों में अपनी बहन का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे निकाले होंगे इसने। दलाल है ये, अपनी बहन का दलाल है ये। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो देख लेना। पैसों के लिए अपने माँ बहनों को बेचने का शौक आप लोगों को होगा, गांव का इस गोविंदारक को नहीं। भैया, भैया मैं एक गांव का आदमी हूं, जहां एक घर के चूल्हे से सारे गांव का चूल्हा जलता है, और जब एक घर जलता है ना तो सारा गांव चलता है। ये पवित्र जमीन मेरे लिए मां समान है, मैं इसकी कसम खा कर कहता हूं कि मेरी मासूम बहन की बर्बादी के जिम्मेदार ये लोग हैं, ये इज्जतदार लोग। इनकी मां बहनों के दुश्मनों को मैंने अपना दुश्मन बनाया, क्यों? सिर्फ इंसानियत के लिए। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने जमीर की आवाज से जो एक लड़की की चीख सुनकर रोक नहीं पाई, लेकिन मेरी बहन की चीख सुनकर इनके जमीर से एक आवाज तक नहीं निकली। मैं पूछा क्यों, क्यों? जाने को मारते ही आप लोग मुझे मसीहा बनाने आए थे, लेकिन जब इस मसीहा की बहन की इज्जत लूटी जा रही थी तब उसे बचाने आप लोग एक इंच भी आगे नहीं आए, और आज अपनी झूठी आन और इज्जत को बचाने के लिए 4 किलोमीटर यहां तक चलकर आए। मैं पूछा क्यों, क्यों? मैं अपनी बहन को गांव से शहर ले आया था यह सोच के कि इसे कुछ बनाऊंगा, लेकिन यहां आकर इसने अपना सब कुछ खो दिया। एक औरत के लिए अपनी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन लेकिन इसने तो वो भी खो। भैया, मैंने तो सुना था कि बलात्कार क्या होता है, लेकिन अगर देखा भी तो अपनी बहन का आप लोगों ने भी देखा, लेकिन इज्जत लूटते नहीं देखा, आप लोगों ने मेरी बहन का तमाशा देखा। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मदद के लिए भीख मांग रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया, तमाशा देखा, क्यों, क्यों, क्यों कुछ नहीं किया? भीख मांगते रहे कि कोई कुछ करो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, तमाशा देखा, क्यों? अरे लोग तो लावारिस लाश पर भी कफन डाल देते हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बहन पर हमदर्दी का कपड़ा तक नहीं डाला, क्यों, क्यों? धीरज लाल जी, आपकी तो कपड़े की दुकान है, हजारों मीटर कपड़ा आपके दुकान में, लेकिन मेरी बहन की इज्जत को ढकने के लिए वो भी कम पड़ गया। उस दिन आप लोगों की तादाद हजारों में थी, और वो गुंडे
और टीमों, फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? क्योंकि औरता मेरी बहन है, तुम सबकी नहीं। अगर यही बात मैंने उस दिन सोच ली होती और तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाने देता तो मेरी जगह पर आज तुम यहां होते मिस्टर दिलीप रॉय, और मैं और मेरी बहन सुरक्षित होते, है ना? गलत सोचा आप लोगों ने, माफ कीजिए, आप लोगों का सोचने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। कल उसकी बहन थी, आज मेरी बहन है, कल आप में से किसी एक की बहन हो सकती है। तो क्या कभी आंख, कभी कान, कभी दरवाजा बंद कर देने से आप लोग महफूज रहोगे, सेफ रहोगे आप लोग? क्यों प्रोफेसर साहब, आप बच्चों को शिक्षा देते कि बुराई के खिलाफ लड़ो, और जब मेरी बच्ची की इज्जत लूटी जा रही थी तो आपने पीठ घुमा दिया, यही शिक्षा देते हैं आप? बीए, एमए, एमबीए जैसे पढ़े लिखे लोग होकर भी आप लोग जॉनी के अनपढ़ गवार गुंडों के सामने झुकते हैं, उनके तलवे चाटते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन एक भूखा कुत्ता अगर हमारे बर्तन में मुंह भी डालता है तो हम उसे भगा देते हैं, अगर ये गुंडे हमारे मुंह से निवाला तक छीन लेते हैं लेकिन हम कुछ नहीं करते। मच्छर अगर नींद में भी हमारा खून चूसता है तो हम उसे मार देते हैं, अगर ये गुंडे हमारे जागते हुए हमारा खून बहाते है और हम कुछ नहीं करते। भैया, भैया मुझे इन लोगों से शिकायत या गुस्सा नहीं है, और ना ही मैंने आप लोगों को यहां जलील करने के लिए बुलाया है। मुझे आप लोगों की मदद नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मैं आज भी इन गुंडों से अपनी बहन का बदला अकेला ले सकता हूं, या तो मार दूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन किसी एक के मरने मारने से यह गुंडागर्दी का पेड़ नहीं गिरेगा, उसे झट से उखाड़ना होगा, और उसके लिए आप सबको एक होना होगा। जिस दिन आप एक हो जाओगे हमारी गिनती करोड़ों में होगी, 100 करोड़, और वो गुंडे मुट्ठी भर। गुंडों की सारी ताकत उनके हथियार और आपके डर में होती है, लेकिन याद रखिए, हथियार उठाने वाला कभी साहसी नहीं होता, क्योंकि उससे अपने से ज्यादा भरोसा उसके हथियार पर होता है जो कभी भी धोखा दे सकता है। लेकिन आपका साहस, आपकी ताकत आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो निकाल दीजिए वो डर, छीन लीजिए वो हथियार, और फिर देखिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उस देश का जॉनी हो या बाहर मुल्क का दुश्मन। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मुझे आप लोगों को इस तरह कोर्ट में बुलाना पड़ा, इसलिए मैं अदालत और अब सबसे माफी चाहता हूं, माफ कीजिएगा। गोविंद, गोविंद बेटा सुनो, एक मिनट गोविंद, मैं एक आम आदमी हूं, समाज की ये रोज रोज बढ़ती हुई अनगिनत बुराइयों ने इस आम आदमी की आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया, लेकिन आज आज इस अदालत में तुम्हारी बातों ने मुझे, इस आम आदमी को, एक नई आवाज दी, एक नए आगाज के लिए। गोविंद, मैं कम से कम मैं तुम्हारे साथ हूं। गोविंद बेटा भाई, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, गोविंद सब तुम्हारे साथ, गोविंद मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, 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 हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम गवाही देंगे, बुलाइए उन सब गुंडों को, हम सब गवाही देंगे, हम गवाही देंगे। ये अदालत जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, करीम खान तूफानी, सदानंद कुट्टी, राम शरण शुक्ला एवं उनके सभी साथियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। The court is adjourned. मैं कभी जिस गोविंद को जानती थी
आज एक लंबे अरसे के बाद उसे अपने सामने देख रही हूं। मुझे फख्र है आप, तुम पर। ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। लोगों में डर ही इस धंधे की बुनियाद है, और अगर ये डर निकल गया ना तो सबका राम नाम सत्य है, समझो। कोई कोर्ट नहीं जाएगा। भेड़ा, जी साहब, तू जा। ए, करीम भाई जिंदा है अभी, और उसकी तलवार की धार भी। देखता हूँ कोर्ट कैसे जाते हैं साले। ए कॉलोनी वालों, हम जो बोलते हैं वो आँख कान नाक सब कुछ बराबर खोल कर सुनने का। अरे तुम लोगों को चर्बी आई ले, हाँ? अरे देख, कोर्ट में जाकर कोई भी गवाही देगा और सच्चा हिंदुस्तानी सिपाही बनेगा ना, तो सबकी चर्बी किलो के भाव का। जल्दी से आवाज आवाज दी है। ओ हरामजादो, खबरदार जो कोई कोर्ट में गया तो जैसे रहते थे वैसे ही रहो, ज्यादा कलेजा दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना छील छील के सबको कसाई की दुकान में उल्टा लटका दूंगा। क्या बात है भाई साहब, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी है क्या? अबे ओ आम आदमी, तेरे को आम की तरह निचोड़ कर तेरा मैंगो जूस निकालेगा। भाई जान की बात बराबर सुनने का और घर में चुपचाप बैठने का। ए दादा, अभी तुम्हारा आवाज सुनने का टाइम क्या? अभी तुम लोग हमारा आवाज सुनो। आप ना अपना घर में जाके बैठो, नहीं तो याद है ना कि जॉनी को कैसे मार मार के नोंगा और गंजा किया था? तुम शाला शॉप को पकड़ पकड़ के मारेगा, समझा की? ए, साला करीम तूफानी को धमकी देता है, चिल्लाले हरामजादे को सबके सामने चिल्ला। ए करीम भाई, अब तुम्हारा भाईगिरी का टाइम खत्म हो गया, समझा ना? अभी भाई चारे का टाइम चालू हो गया, क्यों गोलू? हाँ देशपांडे, तुम बिल्कुल मर्दानगी वाला बात किया, लेकिन सबसे पहले इन नामर्दों को यहाँ से हटाओ। नामर्द, आई हेट नामर्द। तेरे मामा लोग खड़े हैं। बहुत बड़ा राड़ा हो गया साहिबा, वो कॉलोनी वालों को अपुन समझाने के लिए गया था, वो लोग अपुन को समझाए। ये वो लोग को हम समझा देगा, वो करीम किधर रहे? अरे वो भाईजान बहुत समझदार निकला, पतली गली पकड़ के भाग गया। देख देख, ये उस तूफान का आगाज है जो तुम लोगों को तिनके की तरह बहाकर तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। एक अकेली मौज समंदर से कैसे टकराएगी, चट्टानों से टकरा के आंधी वापस आ जाएगी। हम मिलके साथ चलेंगे तो सैलाब नया एक लाएंगे, इस आसमां को झुकाएंगे। चला मेरे सारे के चौंडे गने आ जा। अरे जाओ, रोको ने रोको। आओ
मिलके आओ मिलके आओ मिलके। जॉनी भाई सब लोग इधर ही आ रहे हैं, हम लोग बचेंगे नहीं, पीछे से भाग चलते हैं। जॉनी नहीं भागेगा, मैं साला सामने से मारेगा। ए, आज जिंदा बचेगा तो कल मारेगा ना। मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। प्रेस्टीज हमारा भी है, मारा जाएगा। तुम्हें अपनी प्रेस्टीज बचाने दो, तुम्हें अपनी जान बचानी है तो भाग लो मेरे साथ। चलो 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 चलो। अरे आ जाओ आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये तो अन्ना सही बोल रहा है जॉनी, हमारे पास बहुत सारे आदमी हैं, हम फिर से बना लेंगे ये सब कुछ। जॉनी समझते क्यों नहीं मेरी बात। हेलो हैंसन, ड्रॉप योर गन। ये जाओ तू तेरा बोल। आजाद नगर के निवासियों की गवाही और पुलिस की तहकीकात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, जहां रामशरण शुक्ला और उनके बाकी साथियों को 7 साल की कैद का हुक्म सुनाती है, वहीं जॉनी मेंडोंसा, डैनी मेंडोंसा, सदानंद कुट्टी और करीम खान तूफानी को ताजिरात हिंद की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। और ये हुक्म भी देती है कि उनकी तमाम जायदाद को बेचकर जो पैसा मिले उसे गोविंद मार्केट बनाने में लगाया जाए। The court is adjourned. गोविंद, हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ करना बेटे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास पैदा हो गया है। हाँ गोविंद, इससे पहले हमें पता ही नहीं था कि हम सब में इतनी ताकत और इतना विश्वास है। Yes. तुम्हारे जैसे मर्द की सख्त जरूरत है सोसाइटी को, और खासकर मुझे। गुल्ली, हम अलग अलग कितने कमजोर थे, तुमने हमें एकता सिखा दी। मैंने पिताजी से सीखा था कि अगर फसल को बचाना है तो कीड़ों को मारना ही पड़ेगा, यही बात आज आप लोग ने सीखी और ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। कितना अच्छा आदमी है ना। अरे बस करो गुल्ली यार। ए रजनी देवा। अन्ना। ओ गोविंद पुत्र, तू यहाँ सामान का लगेज बांध के भाग रहा है, वहां तेरा सम्मन आया हुआ है यार। ओ जी ये रहा सम्मन। हरीश तुम चाचा जी ये सम्मन में समझा नहीं। ओ भाई हरीश पुत्र जो है अपनी रत्ना से शादी करना चाहता है यार। जी अगर आप इजाजत दें और रत्ना को मंजूर हो तो।
मेरी भी एक ख्वाहिश है जो तुम्हें पूरी करनी है। अरे बेटी, तेरी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि गोविंद शादी के लिए हाँ कर दे। ओए नाना पाटेकर, अपनी बेटी को समझा। बेटी समझा कर। हाँ या ना डैड, जब तक गोविंद शादी के लिए हाँ नहीं कहेगा, मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना किसी से बात करूंगी। मैं अपने कमरे से बाहर तक नहीं आऊंगी, समझे आप? अरे मैं देखता हूं। कितिका, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है। अगर वो सामने आ जाए तो क्या हाँ कहोगे? ए? बोलो गोविंद, हाँ कहोगे? हाँ या ना? यही तो मेरी ख्वाहिश थी। प्रेजेंटिंग द कपल ऑफ द न्यू मिलेनियम, गोविंद एंड सुधा नारद। मतलब तू गोविंद और सुधा को मतलब अपना कुछ सोचा ही? कमाल है यार। मानते हो ना डैड, कहानी में ऐसा ट्विस्ट आपकी बेटी ही ला सकती है। भाई तू ऐसे ही कहानी में ट्विस्ट लाती रहेगी तो हम तो जिंदगी भर ट्विस्ट करते रहेंगे। तेरी कहानी में ट्विस्ट लाने वाला कोई है कि नहीं यार? वरी नॉट डैड, आपकी बेटी की कहानी में ट्विस्ट लाने वाला इस वक्त अपनी स्पोर्ट्स कार रोककर किसी दुकान से मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा। ओ जरूर खरीद रहा होगा पुत्र, जरूर खरीद रहा होगा, तू करोड़ों में एक है। ओए है कोई आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स कार से उतरकर फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होगा? कोई है?